आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोट को चलन से बाहर करना क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है और इसे आरबीआई के करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा माना जाना चाहिए। नोट बदलने के लिए काफी समय है, लिहाजा लोग नोट बदलने में किसी तरह की अफरा तफरी न करें। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने 2000 के नोट के चलन से बाहर करने का आरबीआई के फैसले पर जाना जनता की राय क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। जो ये 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है, ये फैसले को क्या मानते हैं? सही है, गलत है? गलत। क्या कहना चाहेंगे? बंद नहीं होना चाहिए। क्या इससे कहीं व्यापारी वर्ग पे कोई असर? बिल्कुल पड़ेगा। क्या किस पर? जहाँ जो लोग कैश लेके जाते हैं कहीं बाहर, अब वो लोग 500 का नोट लेके जाएंगे, ज्यादा पड़ेगा उनको। देखा गया कि जितनी 2000 की नोट आई थी, अभी वो मार्केट में उतनी नोट है नहीं 2000 की, तो कहीं ना कहीं इसको अगर कहा जाए तो स्टोर किया गया है। हाँ तो स्टोर किए हूँ लोग ऐसा। ये फैसला वो क्या मानते हैं आप, सही की गलत? बंद करने का फैसला सही है? अभी तो पब्लिक के ऊपर, अभी जो लोग रखे होंगे वो लोग परेशान होंगे, तो ये तो 2000 का नोट नहीं चलाते लोग। अच्छा, आरबीआई ने 2000 नोट बंद करने का ऐलान किया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम लोग तो 2000 नोट देखे नहीं रहे हैं भाई, ये बहुत दिन से नहीं दिखाई दे रहा हम लोग को। छोटे वर्ग के जो व्यापारी वर्ग है उससे क्या असर पड़ सकता है? क्या असर पड़ेगा वो कुछ कहा नहीं रखता। तो आखिर ये 2000 की नोट गई कहा, जब व्यापारी वर्ग नहीं देख पा रहे? तो आप वही लोग बता सकते हैं कहा गया। ये कहीं ना कहीं आरबीआई का फैसला ये सही है, जो 2000 की नोट चलन से बाहर की जा रही है, इसके व्यापारी वर्ग का क्या कहना है? कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ना कोई नुकसान किसी को है, क्योंकि 2000 तो वैसे ही नोट कम आ रहा है मार्केट में। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि ये बंदी कारगर साबित होगी? होगी। काला धन निकल के बाहर आएगा? अब ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, कहे कोई गारंटी तो इसका है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो 2000 का नोट बहुत दिन से कम आ रहा है मार्केट में, बहुत ही कम आ रहा है। ये फैसला सही है? हाँ ठीक है। जो 2000 की नोट बंद करने का फैसला किया गया, इसको क्या मानते हैं? सही है, ये फैसला एकदम सही है। कहीं ना 2000 के नोट है ना, वो लोग चपत चपत के अलमारी में रख रहे हैं, ठीक ना, उसको बाहर निकाल नहीं रहे, वो नोट जमाखोरी हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। ये बंद होने से कहीं व्यापारी वर्ग पे कोई असर नहीं पड़ेगा? इससे क्या मानते हैं कि ये नोटबंदी जो 2000 की हो रही है, इससे काला धन बाहर आएगा? हाँ, इससे काला धन बाहर आएगा, एकदम काला धन, सब काला धन। 2000 नोट हमेशा जो है चलन में चल रही थी, अब एकदम बाहर हो गई है। अब देखिए सरकार ने इसको बंद किया है तो बाहर आना शुरू हो गया, इसका मतलब यह है कि लोग जिसके पास काला धन आ रहा है वो इकट्ठा कर रहा है। एकदम सही फैसला सरकार का, सही फैसला। जो ये आरबीआई का फैसला है कि 2000 की नोट को चलन से बाहर किया जाएगा, इसको क्या मानते हैं? सही फैसला है? बिल्कुल सही है, धड़क सही है। और 2000 का नोट तो छोटे व्यापारी देखने को नहीं मिल रहा है, हमारी दुकान पे मोबाइल की दुकान है, हमको लग रहा है 6 महीने में एक नोट आती है। हाँ, बाकी छोटे नोटों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यापार जैसे चलना चलेगा, जो स्टोर करके रखा है वही सारा समस्या वही है, जो स्टोर करके रखें इसलिए मार्केट में नहीं। इससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे व्यापार में तो कोई फर्क नहीं। फैसला सही है, बिल्कुल सही। 2000 की नोट वापस लेने का फैसला हुआ है, क्या ये सही है? सही है। इससे क्या कहीं व्यापारी वर्ग को कोई दिक्कत? व्यापारी से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जमा पहले से रखे हैं लोग, जो भी ISPCA चाहे जो भी नेता मंत्री, उनके लिए दिक्कत है, व्यापारी के लिए पैसे नहीं आ रहे 2000 का। क्या मानते हैं कि ये 2000 की नोट जो बंद होगी इससे कहीं ना कहीं काला धन बाहर आएगा? हाँ 100% आएगा काला धन। जो ये